नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल, आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को 5000 करोड़ सहारा सेवरी फंड खाते से सेंट्रल स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया था और उसी वाले मामले की सुनवाई अभी 12 अगस्त 2024 को हुई है, जिसमें आप जरूर जानना चाहेंगे कि माननीय कोर्ट ने क्या आदेश दिया। आपको बता दूं कि उस दिन जो आदेश दिया गया है आपके रिफंड को लेकर के और साथ ही डेथ क्लेम को लेकर के, जिसके लिए आईए पिटीशन लगाया गया था, तो आपसे अनुरोध करूंगा इस पूरा वीडियो को देखिएगा ध्यान से, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुँचेगा। और इसके बाद इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने पोर्टल के ऊपर क्लेम नहीं किया है तो क्लेम करें या ना करें, तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर सहारा इंडिया के नाम पे बहुत बड़ा स्कैम हुआ। हालांकि 2012 में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ आदेश दे दिया था, पैसा वापसी की बात की गई थी और उसमें 15% इंटरेस्ट था, लेकिन असली खेल उसके बाद शुरू हुआ। आपका वहाँ पैसा वापस नहीं किया गया और आपका पेपर ही बदल दिया गया, कहने का मतलब कन्वर्जन कर दिया गया, उसी ब्रांच में, उसी ऑफिस में और उसी एजेंट के द्वारा आपका पेपर एक दूसरे कंपनी में बदलता जा रहा, बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी में कर दिया गया और आपको पता भी नहीं चला। जब इसकी जानकारी हमें मिली तो फरवरी 2022 में पूरे देश के जमाकर्ताओं को न केवल मजबूती से बताया बल्कि सरकार को भी बताने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। लेकिन हमारे लगातार प्रोटेस्ट और आप सभी लोगों के सहयोग से यह बात पूरे देश के जमाकर्ताओं तक पहुंची, लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया। इससे कम से कम ये फायदा हुआ, जैसे ही हमारे माध्यम से पूरे देश के जमाकर्ताओं तक सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग का लाइसेंस 2015 में रद्द होने की बात पहुंचती है, पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। और इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट के अंदर सहारा इंडिया के खिलाफ सुनवाई शुरू होती है और साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर भी, और उसी दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा एक आदेश आता है जिसमें कि सेंट्रल स्टार को क्लेम भेजने वाले को पैसा वापस करने के लिए कहा जाता है, जिसकी जानकारी न केवल हमने आपको दी थी बल्कि आपको एक फॉर्मेट भी दिया था जिससे पूरे देश के लाखों जमाकर्ताओं ने उस फॉर्मेट के सहायता से सेंट्रल स्टार को क्लेम भेजा। हालांकि वो केस वापस ले लिया जाता है सहारा के द्वारा। आपके लगातार शिकायत पहुँचने से केंद्र सरकार ने आईए लगा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहले से एक पिनाकी मोहंती वाला केस चल रहा था, उसी में आदेश लेकर के आते हैं 5000 करोड़ का, जो कि सहारा सेवरी फंड खाते से कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सेंट्रल स्टार है उनके खाते में ट्रांसफर करने की बात हुई थी। और उसी के लिए अमित शाह जी ने 18 जुलाई 2023 को एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया और कहा कि जो लोग भी इसके ऊपर क्लेम करेंगे पहली बार उनको 10,000 रुपया देंगे 45 दिन के अंदर। हालांकि एक साल से ज्यादा बीत गए और आप में से कितने लोगों को पैसा मिला है ये आपको ज्यादा बेटर पता होगा, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, ऐसा कोई डाटा नहीं है और ना ही कोर्ट को केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा कोई डाटा अभी तक समर्पित किया गया है जिसमें ये बताया जाए कि फलाना फलाना व्यक्ति को हमने 10,000 रुपये दे दिए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने खुद ही पार्लियामेंट के अंदर कहा कि 1,21,00,000 लोगों ने क्लेम किया, ये जनवरी 2024 का डाटा है, जिसमें से 1,19,00,000 लोगों का उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब इसको रिजेक्ट क्यों कहेंगे, क्योंकि दूसरा पोर्टल लाया गया। अगर वो डिफिशेंसी वगैरह कहते तो उसी में सुधार करवाते, यहाँ दूसरा पोर्टल लाने की बात हुई है, तो दूसरा पोर्टल आया, यानी कि फिर से सारा प्रक्रिया आप कीजिए जो वो बता रहे हैं सुधार करने के लिए। और कहीं ना कहीं वो पोर्टल जो लाया गया है उसके माध्यम से आप लोगों को ऑफिस भेजा जा रहा है और ऑफिस में भेज करके कहीं से आपसे साइन करवा लिया जा रहा है शेयर एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो कई लोगों ने हमें ये भी सूचित किया कि गरीब लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे कागज़ भी डायरेक्टली क्लेम के नाम पर ले लिया जा रहा है, जो कि सरासर अन्याय है और कहीं ना कहीं सरकार के मिलीभगत से हो रहा है, क्योंकि इसकी शिकायत जब हमने थाने में दी तो थानेदार ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसे में आप पीछे जाकर के हमारा वीडियो देख सकते हैं, उससे स्पष्ट है। और उसी मामले की 12 अगस्त 2024 को अभी सुनवाई हुई है। हालांकि जो 12 अगस्त का आदेश है उसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको सही और सटीक जानकारी दूंगा और साथ ही मैं आपको उस ऑर्डर की कॉपी भी दूंगा जिसको जाकर के पढ़ सकते हैं, और जो ऑर्डर में लिखा हुआ है उसको हमने हिंदी में अपने ब्लॉग workervoice.in पे प्रकाशित किया है जिसको जाकर के पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बता दें कि उसी केस में एक आईए किसी पिटिशनर ने 15/7/1958/2022 यानी कि पहले ही लगा दिया था और उसी की सुनवाई हुई है, और उसमें क्या कहा गया है वो बता दूं। हालांकि इसके बारे में लोग ये बता रहे हैं कि ये डिफिशियंसी के बारे में है, लेकिन जो लोग ऐसा बता रहे हैं उनको ये
ये कम से कम चेक कर लेना चाहिए कि ये कब आईओ लगाया गया था, तो 2022 में। तो ऐसे में अगर कोई ये कह रहा है कि डिफिशियंसी के बारे में आदेश दिया गया है तो उसको आकर के यहाँ चेक करना चाहिए। और यहाँ पे माननीय कोर्ट ने ये कहा है कि जो कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन है उससे कोर्ट सेटिस्फाइड हो गया है और इस क्लेम को एग्जामिन होना चाहिए किसके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमिटी बनाई गई है और जिसके जो हेड हैं जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, उनके द्वारा। अब यहाँ पे इन्होंने कमेटी का जिक्र किया है, जबकि आप पीछे जा कर के चेक कीजिएगा तो अमित शाह जी के अधिकारी को हमने कॉल किया था तो उन्होंने कहा कि कोई कमेटी ही नहीं है, जबकि तीन लोगों का कमेटी एक तरह से निर्धारित किया गया है माननीय कोर्ट के द्वारा, जिसमें कि जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और गौरव अग्रवाल जो कि सरकारी वकील हैं, और तीसरा सेंट्रल स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको नॉमिनेट किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो 5,000 करोड़ आपको बांटना है उसके लिए। अब यहाँ पे मिस्टर गौरव अग्रवाल ने उस एप्लीकेशन के बारे में यही कहा कि उनको जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो अगर हमें पेटिशनर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा तो हम उनकी सहायता करेंगे, ऐसा उनके तरफ से सहमति जताया गया। तीसरा पॉइंट में अगर देखिएगा तो माननीय कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह का समय दिया है ताकि वो अपना जो एप्लीकेशन है या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है वो कमेटी के समक्ष रख सके, और इसके साथ ही कमेटी उस पर डिसीजन लेगा और डिसीजन लेकर के और उनके वकील के थ्रू एप्लीकेंट को कम्युनिकेट करेगा, यानी कि बताएगा कि भैया आपका एप्लीकेशन अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, कहने का मतलब आपको पैसा जो आपने लगाया है पेपर उसके आधार पर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और इसके साथ ही इस आईओ को डिस्पोज कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया, एक तरह से आदेश हो गया। इसके बाद एक आईए 17-27-05-2024 लगाया गया है, जिसमें कि एप्लीकेंट ने अपने स्वर्गीय पिता कपिलेश्वर शर्मा, जिनके रिफंड क्लेम के लिए पार्टी बनाने की मांग की थी, जिसको माननीय कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, और इसमें इन्होंने ये बताया था माननीय कोर्ट को 77,38,202 रुपया जो कि कपिलेश्वर शर्मा ने डिपॉजिट किया था सहारा ग्रुप के विभिन्न कंपनियों में 2015 से लेकर उनके मृत्यु यानी कि 27/6/2021 तक। आगे उन्होंने बताया उनके पिताजी चले गए और कानूनी वारिस के रूप में केवल उनको छोड़ गए, जिसमें माननीय कोर्ट ने बताया कि हम आपके इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते जिसमें कि आपने खुद को केवल उनका लीगल वारिस बताया है, हालांकि आपका क्लेम योग्यता के आधार पर जांच के योग्य है। और जिसके बाद माननीय कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देशित किया कि उनका आईए का सॉफ्ट कॉपी गौरव अग्रवाल जी को दिया जाए, और जिसके बाद आवेदनकर्ता को भी बताया कि आपके पिता का 77,38,202 रुपया जो सहारा ग्रुप के अंदर बकाया है उसका भी प्रमाण आप दें, तभी जा करके आपका भुगतान हो पाएगा। और उसके लिए माननीय कोर्ट ने कुछ शर्त रख दिए, तो शर्त ये रख दिए कि जस्टिस सुभाष रेड्डी की जो कमेटी है उनके पास जब इनका दस्तावेज प्राप्त होगा तो सबसे पहले जो कपिलेश्वर शर्मा जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके कानूनी वारिस का पता करना, कहने का मतलब कितने वारिस हैं और अगर एक से अधिक वारिस हैं तो कितना कितना पैसा उनके आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके आधार पर उनको तय करना है, जिसके बाद उस कमेटी को बंटवारा और रिफंड से संबंधित उचित निर्णय लेने को कहा गया है। उसके बाद एक और आईए पिटीशन का जिक्र है जो कि फाइल किया गया है लेकिन रजिस्ट्री के द्वारा सप्लाई नहीं किया गया है, हो सकता है ऑब्जेक्शन में पड़ा हो और यही माननीय कोर्ट ने कहा है और उसके बारे में वो कोई आदेश उन्होंने पास नहीं किया। इसके बाद माननीय कोर्ट ने मिस्टर गौरव अग्रवाल को ये कहा है कि जो भी आईए लगा हुआ है या फिर पेंडिंग है साथ ही इंक्लूड इसका भी जिक्र किया है, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और उसके ऊपर ध्यान देंगे और अगला मैटर जो सुनवाई होगा 27/9/2024 को। इस तरह से आपने देखा कि 12 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 आईए का आदेश दिया गया है, जिसमें आप ये जानना चाहें कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, तो आपको स्पष्ट बता दूं कि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ उस कमेटी के ऊपर छोड़ दिया है। और पहला जो आईए लगा था उसमें उन्होंने यही कहा कि कमेटी के पास एप्लीकेशन आपको देना है और कमेटी उस पर निर्धारित करेगी कि आपको पैसा देना है कि नहीं देना है। दूसरा जो एप्लीकेशन था जो कि डेथ क्लेम के बारे में था उसमें भी माननीय कोर्ट ने यही कहा है कि एप्लीकेशन देना है, लेकिन कमेटी की जानकारी सरकार दे ही नहीं रही है। इसके लिए मैंने खुद एक आरटीआई लगाया था, उस कमेटी के बारे में पूछा था, पता पूछा था कि भाई कमेटी का पता बताइए ताकि हम भी वहाँ पर एप्लीकेशन दे सके, और साथ ही 31 जुलाई 2023 को 10 डिमांड हमने उस कमेटी के नाम से भेजा था, उसमें सेंट्रल स्टार को भी लगाया था, भारत सरकार को भी लगाया था, सुभाष रेड्डी जी को भी लगाया था, लेकिन उसका न तो कोई जवाब दिया गया, हालांकि एक जो मांग था उसको उन्होंने सुधार कर लिया जिसमें कि नाम में अगर अंतर है तो उसके लिए एक एफिडेविट लेना इन्होंने शुरू किया, लेकिन जो 10 मांग है वो पूरा होना चाहिए जैसा कि हमें लगता है और वो सभी मांग जो है आप लोगों का है। अब ऐसे में हर किसी के बस में नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आईए लगाए, क्योंकि यहाँ पे इनका 77 लाख रुपया था तो इन्होंने 2022 में ही पिटीशन लगा रखा था, क्योंकि जैसे ही सुना होगा 5,000 करोड़ का आदेश हुआ तो इन्होंने लगा दिया, लेकिन मुझे लगता है कि इनके वकील साहब ने अच्छा खासा फीस लिया होगा। हालांकि अगर 77 लाख में अभी जो सरकार का निर्णय है उसमें 10,000 रुपया मिलेगा, और अभी हाल ही का पोर्टल के बारे में
में सरकार का निर्णय सुनिएगा, जिसमें कि सरकार ने ये कहा है कि जिनका 10,000 रुपया तक है और जिनका डाटा मैच कर रहा है उन्हीं को हम दे रहे हैं, तो ऐसे में 77 लाख वाले भाई साहब को भी पैसा नहीं मिल पाएगा। वो कहेंगे आप पेंडिंग में रहिए, जब आपका बारी आएगा, अभी हम 10,000 वाला को दे रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो एक तरह से देखिए तो वकील साहब का फीस भी चला गया और आपको कुछ मिला भी नहीं। आगे जो भी जानकारी आएगी हम आपको लगातार देते रहेंगे, और अगर आपने अभी भी क्लेम नहीं किया है तो हम आपको यही कहेंगे कि आप इंतज़ार करें, क्योंकि 10,000 रुपया है तब तो क्लेम कर दीजिए, इसके बारे में हमने पहले बताया था। लेकिन 10,000 से ज़्यादा है तो बाकी पैसा कब देंगे सरकार ने अभी तक कोर्ट के अंदर ये भी नहीं बताया है, और सरकार ने कोर्ट के अंदर ये भी नहीं कहा है कि हम 10,000 रुपया ही दे रहे हैं। तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए और घबराने की ज़रूरत नहीं है, और एकजुट होना शुरू होइए, क्योंकि एकजुट नहीं होइएगा तो सरकार ये 10,000 वाला को अभी दे रहा है तो 77 लाख वाला को देते देते तो मुझे लगता है कि कितना वर्ष बीत जाएगा। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, एक बार कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही बिता लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।